नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कोचिंग उड़ान कोचिंग सेंटर लालगढ़ में। मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नवीनतम जिले। नवीनतम जिले के राजस्थान के अंदर कुल कितने जिले हैं और एकीकरण के बाद कितने जिले नए बनाए गए हैं, आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एकीकरण के समय सातवें चरण में, कौन से चरण में? सातवें चरण के अंदर अजमेर मेरवाड़ा, सातवें चरण में अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में क्या कर लिया गया था? शामिल कर लिया गया था और 1 नवंबर 1956 को अजमेर को 26वां जिला बना दिया गया। एकीकरण के समय सातवें चरण में अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में शामिल कर लिया गया था। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को अजमेर को 26वां जिला बना दिया गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं 27वें जिले की, 27वां जो जिला था वो था धौलपुर। 27वां जिला था जो धौलपुर, जो 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया था। धौलपुर को किससे अलग करके बनाया गया था? तो मैं बात करूं तो धौलपुर को भरतपुर से अलग करके बनाया गया था। किससे अलग करके बनाया गया था? भरतपुर से अलग करके बनाया गया था। अगर बात करूं 28वां जिला 29वां जिला और 30वां जिला, तो ये तीनों जिले एक ही तारीख को बनाए गए थे, जिनमें 28वां जिला था वो था बारा, 29वां था दौसा और 30वां जो जिला था वो था राजसमंद। कौन सा था? राजसमंद। इन तीनों जिलों को एक ही तारीख पर बनाया गया था, 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया था। 10 अप्रैल 1991 को बनाया गया था। इन तीनों जिलों को कौन कौन से थे? 28वें नंबर का था 12, 29वां जो दौसा, 30वां राजसमंद। इसके बाद अगर बात करूं 12 को किससे अलग करके बनाया गया था, तो 12 को कोटा से अलग करके बनाया गया था। और दौसा की अगर मैं बात करूं तो दौसा को जयपुर से अलग करके बनाया गया था। अगर बात करूं राजसमंद की, तो राजसमंद को उदयपुर से अलग करके बनाया गया था। तो अभी फिलहाल राजस्थान के कितने जिले? 30 जिले कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद 31वें जिले की बात करते हैं। 31वां जिला जो कि कौन है? हनुमानगढ़। 31वां जिला कौन है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को 12 जुलाई 1994 को बनाया गया था। 12 जुलाई 1994 को बनाया गया था। और हनुमानगढ़ को जिससे अलग किया गया था वो कौन सा था? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ को अलग करके 12 जुलाई 1994 को कौन सा जिला बना दिया था? 31वां जिला बना। अगर बात करूं 32वें जिले की, कौन से नंबर के? 32वें जिले की बात करूं तो 32वां जिला था करौली। 32वां जिला कौन सा था? करौली। करौली को कब बनाया गया था? 19 जुलाई 1997 को करौली का जिला बनाया गया था। और करौली को अगर बात करूं किससे अलग करके बनाया था, तो करौली को सवाई माधोपुर से। करौली को किससे अलग करके बनाया गया था? सवाई माधोपुर से। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अपना एक जिला रह गया, क्योंकि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 33 जिले, जिनमें 32वां जिला करौली और 33वां जिला कौन सा एक रह गया? प्रतापगढ़। कौन सा जिला? प्रतापगढ़ जिले को 3 जिलों से अलग करके बनाया गया था, जिनमें 1 नंबर पे उदयपुर, थोड़ा बाद उदयपुर जिले का लिया गया था, थोड़ा बाद चित्तौड़गढ़ का लिया गया था और थोड़ा बाद बात करें तो बांसवाड़ा का लिया गया।
इन तीनों से थोड़ा थोड़ा भाग अलग करके कौन सा जिला बनाया गया था? प्रतापगढ़ बनाया गया था। प्रतापगढ़ को 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ बनाया गया था। इसी के साथ राजस्थान के कुल कितने जिले हैं? 33 जिले, और 33वां जिला प्रतापगढ़ है। अगर प्रतापगढ़ पी से प्रतापगढ़ और पी से ही पांचवा सबसे छोटा जिला है, कौन सा है? पांचवा सबसे छोटा जिला कौन सा है? भी प्रतापगढ़। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एकीकरण के समय सातवें चरण के अंदर अजमेर भीलवाड़ा को राजस्थान के अंदर शामिल कर लिया गया था। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला अजमेर को बना दिया गया था। और अगर मैं बात करूं 27वें जिले की, तो 27वां जिला कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर को 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया था। किससे अलग करके? भरतपुर से अलग करके बनाया गया था। इसके बाद बात करूं 28वें 29वें और 30वें जिले की, तो इन तीनों जिलों को एक ही तारीख पर बनाया गया था। वो तारीख कौन सी है? 10 अप्रैल 1991 में बनाया गया था, जिससे 28वां जिला बारां, 29वां जिला दूसरा और 30वां जिला कौन सा था? राजसमंद। बारां को कोटा से अलग करके बनाया गया, दूसरा को जयपुर से अलग करके बनाया गया और राजसमंद को उदयपुर से अलग करके बनाया गया। अगर इसके बाद मैं बात करूं हनुमानगढ़ की, तो 31वां जिला कौन सा बनाया गया? हनुमानगढ़ बनाया गया 12 जुलाई 1994 को बनाया गया। अगर बात करें कि हनुमानगढ़ को किससे अलग किया, तो श्री गंगानगर से अलग करके 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ को एक अलग जिला बना दिया गया था। अगर बात करें 32वें जिले की, तो 32वां जिला करौली बनाया गया था, जो 19 जुलाई 1997 को बनाया गया था, जिसको स्वाई माधेपुर से अलग करके बनाया गया था। 32वां जिला कौन सा है? करौली। सवाई माधेपुर से अलग करके 19 जुलाई 1997 को 32वां जिला करौली बनाया गया। उसके बाद अगर बात करें सबसे अंतिम जिला, या फिर बोले सबसे नवीनतम जिला, तो वो कौन सा है? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को थोड़ा सा भाग उदयपुर का, थोड़ा भाग चित्तौड़गढ़ का और थोड़ा भाग बांसवाड़ा का, इन तीनों से थोड़ा थोड़ा भाग लेकर एक नए जिले का निर्माण किया गया था, जिसको प्रतापगढ़ के नाम से जानते हैं। और ये प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। 26 जनवरी 2008 को बनाया गया था। इसके साथ एक दो फैक्ट और बताना चाहूंगा आपको। 26 जनवरी 2008 को तो कौन सा जिला बनाया गया था? अभी 26 जनवरी 2008 को कौन सा? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था। इसके साथ एक दो फैक्ट और भी जुड़े हैं, जैसे 4 जून 2005, 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग की स्थापना की गई थी। भरतपुर संभाग का निर्माण किया गया था। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, 2008 को तो प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था, 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग यानी नवीनतम संभाग बनाया गया। इसके बाद 2 जून 2014, 2 जून 2014 भारत का एक नया राज्य बनाया गया था, जिसका क्या नाम है? तेलंगाना। तेलंगाना। इन तीनों तारीखों में आप कंफ्यूज मत होना, तीनों दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था, जो कौन से नंबर का जिला था? 33वें नंबर का जिला था। उसके बाद 4 जून 2005 को भरतपुर संभाग की स्थापना की गई थी। 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। अगर बात करूं प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? अभी प्रतापगढ़ पैसे प्रतापगढ़ और पैसे परमेश्वर, परमेश्वर नामक कमेटी थी, परमेश्वर चंद्र, क्या थी? परमेश्वर चंद्र कमेटी के तहत कौन सा जिला बनाया गया था? प्रतापगढ़। पैसे प्रतापगढ़, पैसे परमेश्वर चंद्र कमेटी के द्वारा बनाया गया था। पैसे प्रतापगढ़ और पैसे ही पांचवा सबसे छोटा जिला।
तो इसी के साथ आपके नवीनतम जिले कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।